सर्दियां आ रही हैं और गाजर गोभी शलगम का अचार ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे घर में शुरू से ही सालों साल हो गए हैं, मेरी दादी कितने हमेशा बनाती थी, तो आज मैं भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गाजर गोभी शलगम तीनों को, ये तीनों मिला के 3.5 किलो के करीब होंगी, तो इसको काट लिया और रात को खुले में डाइनिंग टेबल पे मैंने सूखने डाल दिए इसको। आप अखबार हो तो अखबार पे आप सूखने डाल दो। ओवरनाइट छोड़ दिया था मैंने, अब दोपहर हो रही है तो मैं अब अचार शुरू करने लगी हूँ। तो इसके लिए सब्जियाँ हो गई, 3.5 किलो सब्जियाँ हैं जैसे। तो इसके लिए अदरक लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और राई हो गई, नमक कलर के लिए देगी मिर्च, गरम मसाला, काला नमक, काली मिर्च और तिखी मिर्च लाल वाली, और ये 5 तोरण होता है ये जो अचार में यूज़ होता है, और गुड़ 3 गोले गुड़ के जो भी कहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया, थोड़ी इजी हो जाएगा मेल्ट होने में, तो ये ना हो के सड़ जाए। थोड़ा और थोड़ी सी हींग। तो मैंने ये राई और जो 5 तोरण थे जिसमें जो अचार के लिए डलता है मसाला, उसको पीस लिया मैंने। तो अब तेल गरम कर लेंगे, खुला डुला तेल लिया है मैंने इसमें, अचार के लिए अच्छा ही तेल डलता है, तो बोलना मत ज़्यादा तेल है। सरसों के तेल को अच्छी तरह गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने लो फ्लेम कर दी, बिल्कुल लो पे। अभी हल्का हल्का गरम है ये बस तेल, इसमें डाल देंगे अच्छे से। तो मैंने अदरक लहसुन डाला पहले, हींग डाल दी और ये गुड़ डाल दिया। सिरका डलता है अचार में, पर उसकी एक ट्रिक है, सिरका एंड में डलेगा वो। मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा सबसे पहली बार, तो आप अगर ये वाला पार्ट देख रहे हो तो आप दूसरा पार्ट जरूर देखना। तो सिरका अभी नहीं डालेंगे हम, तो इसलिए लॉन्ग लास्टिंग होगा, 1-1.5 साल तक अचार बिल्कुल सही रहता है, ये कुछ नहीं होता अचार को। तो ये देखो झाग बनने लगी, गुड़ मेल्ट हो गया अच्छे से, तो सारे मसाले मैंने डाल दिए इसके अंदर। आप सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले लेना, जैसे आप एक सब्जी बनाते हो तो उसके लिए कैसे आप नमक मिर्च मसाले लेते हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी लेना आप, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने अपनी सब्जियों के हिसाब से अदरक लहसुन भी लिया और सारे नमक मिर्च मसाले सिर्फ सब्जियों के हिसाब से लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलो मैं मिक्स करने के बाद बताती हूँ आपको, अभी आके दोनों हाथ से मिक्स कर लूँ ज़रा कढ़ाई पकड़ के अच्छे से ना। हाँ जी, तो अब ये मिक्स हो गया अच्छे से, बस गैस ऑफ कर देंगे हम। थोड़ा सा आप टेस्ट कर सकते हो नमक मिर्च ना, आपको अगर कम ज़्यादा लगे तो। अब इसको क्या करना है, पूरी रात ढक के रख देना है इसको। अब ये सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी, थोड़ा पानी छोड़ देंगी ना सब्जियाँ ये, तो इसको हम अब कल क्या करते हैं वो मैं कल बताती हूँ आपको। आप वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको अचार डालना है, अगर इंटरेस्टेड हो, अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फॉलो भी करना और लाइक भी करना मेरी वीडियो, और कल भी ज़रूर देखना इसका सेकंड पार्ट। बाय।